हे गाइस, आज हम देखेंगे इस वीडियो में काले अमरूद के बारे में या फिर ब्लैक गुआवा ट्री के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं ये काले अमरूद का पौधा नर्सरी से लेके आया। ये एक 12 इंच का गमला है जिसमें मैं इस पौधे को लगाऊंगा। इसमें ये सिंपल गार्डन सॉइल भरी हुई है और ये वो पौधा है जो मैं आज नर्सरी से लेकर आया हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पौधा है, ये करीब करीब तो 2.5 फीट का ये पौधा है। देख सकते हैं ये काले अमरूद का पौधा है जो काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये एक्चुअली एयर लेयरिंग से बनाया गया है ये पौधा, बड़े पेड़ की डाल काट के उससे ही इसे बनाया गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आप एक काले अमरूद के पौधे को गमले में लगा कर उससे फल कैसे ले सकते हो, और मैं आपको सारे अमरूद के पौधे के केयरिंग टिप्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं मुझे इसे सीजर से काट के अमरूद के पौधे को प्लास्टिक से अलग करना होगा। ये जो काम है, इसे हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा जिससे कि इसकी जड़ें कट ना जाए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमें कौन से पौधे का चुनाव करना है, तो हमें कुछ ऐसा पौधा नर्सरी से चूज़ करना होगा या फिर चुनना होगा जिसका तना बाकी पौधों से थोड़ा मोटा हो और जो पौधा देखने में थोड़ा स्वस्थ लगे। आप देख सकते हैं ये पौधा देखने में काफ़ी स्वस्थ था, इसीलिए मैंने इस पौधे को चुना। और इसका तना भी जो है वो बाकी पौधों से थोड़ा मोटा है। इसका मतलब कि ये पौधा बाकी जो पौधे थे उस नर्सरी में उससे थोड़ा ज़्यादा उम्रदार है। तो मुझे लगता है कि यही पौधा सही था। तो मैं अब इसके नीचे के इस प्लास्टिक को बहुत धीरे से और सावधानी से बाहर निकल रहा हूँ जिससे इसकी जड़ ना टूट जाए। दोस्तों, आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना होगा कि ये प्लास्टिक निकालते समय गलती से भी ये मिट्टी टूट ना जाए, क्योंकि इससे इसकी जड़ टूट सकती है और इससे ये पौधा मर भी सकता है। तो मैं इसे खींच कर अब धीरे धीरे बाहर निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं किसकी कितनी सारी जड़ें हैं जो प्लास्टिक के भीतर तक चली गई है। मुझे इस जड़ों को धीरे से हटाकर सावधानी से इस प्लास्टिक को निकालना होगा। तो दोस्तों, यहाँ मैंने इस प्लास्टिक को निकाल लिया है और ये देखिए इतनी सी मिट्टी में ये पौधा कितना सही लग रहा है। तो अब मैं इसे गमले में लगाऊंगा। तो चलिए गमलों के पास। तो दोस्तों, यही वो गमला है, 10 इंच का गमला जिसमें मैं इस पौधे को काले अमरूद के पौधे को लगाऊंगा। तो इसमें मैं सबसे पहले ऐसे ही नॉर्मल गार्डन सॉइल डालता हूं। मैं करीब करीब इस गमले के 60% भाग को सिंपल गार्डन सॉइल से भरूंगा। तो मैं इसमें मिट्टी डालता हूं हाथ से। आपको मिट्टी को भुरभुरी रखना है क्योंकि अमरूद के पेड़ को किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, मगर अच्छा वो होगा अगर आप इसके लिए एक भाग ऐसे ही गार्डन सॉइल, एक भाग रेत, एक भाग गोबर की खाद और एक भाग वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं लगाते समय कभी भी कोई खाद नहीं डालता। कोई भी पौधा लगाते समय मैं कभी भी खाद नहीं डालता। मैं खाद को पौधा हमेशा लगने के बाद डालता हूँ। आप अगर चाहे तो उंगली से इस मिट्टी को हल्का सा तोड़ सकते हैं जिससे इसके इन जड़ों को आसानी होगी गमले में फैलने में। मेरा तो यही मानना है और मैं हमेशा यही करता हूँ। अब मैं इसके चारों तरफ हल्की मिट्टी डालता हूँ जिससे कि इस पौधे को खड़ा कर सकूँ और इस पौधे को सही से लगा सकूँ। दोस्तों, अब मैं मिट्टी डाल रहा हूँ इसके चारों तरफ। आप देख सकते हैं, आप बड़े पत्थर कंकड़ को निकाल दें, सिर्फ भुरभुरी मिट्टी रखें क्योंकि अमरूद के पेड़ को भुरभुरी मिट्टी बहुत पसंद है। आपको ये ध्यान खास ख्याल रखना होगा, इस पेड़ में पानी डालें तो गमले में कभी भी पानी इकट्ठा होकर न रहे। या तो मिट्टी जो है वो पानी सोख ले या फिर नीचे के छेद से पानी बाहर निकल जाए, क्योंकि अमरूद की जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं तो वो ज़्यादा पानी से गल भी सकती है। लेकिन आपको इस पेड़ को रोज़ाना दिन में एक बार पानी डालना ही होगा। अब देख सकते हैं कि ये पेड़ करीब करीब लग चुका है, काले अमरूद का पौधा, और ये इसी गमले में मुझे फल भी देगा। मैं हल्के हाथों से मिट्टी को दबा देता हूँ जिससे कि मैं इसमें जब बाद में पानी डालूँ तो ये पौधा गिर ना जाए। तो यहाँ मैं अच्छे से इसको दबा देता हूँ, मैंने इसे दबा दिया है। तो दोस्तों, अब ये पौधा लगकर तैयार है। अब मैं आपको ये पौधा ऊपर से और साइड से दिखाता हूँ। अब देखोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये पौधा। और दोस्तों, अब देखिए इस पौधे को कितना सही लग रहा है।
और इसी 10 इंच के गमले में ही ये पौधा हमें फल भी देगा और ज़रूर देगा। इस पौधे की अगर बात की जाए कि इसे कैसी जगह पर रखना चाहिए, तो अमरूद के पौधे को, क्योंकि ये फल का पौधा है, फलदायी पौधा है, तो इसे कम ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखना अच्छा होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे तो इसमें फूल तो आएंगे मगर वो झड़ जाएंगे। आप इसे छत पर या ऐसी जगह पर अपने आंगन में या बालकनी में रख सकते हैं जहां दिन में करीब करीब 6 से 8 घंटे धूप आए और इसे ज़्यादा कड़ी धूप की बहुत आवश्यकता होती है। देख सकते हैं दोस्तों ये पौधा कितना सही लग रहा है इस गमले में। अब मैं इसे सही से आपको दिखाता हूँ दूर से। ये देखिए, ये काले अमरूद का पौधा बहुत ही सही लग रहा है और ये बहुत ही हष्ट पुष्ट पौधा है जिसे मैंने नर्सरी से चुनाव करके लिया है। आप भी इस तरह के पौधे को नर्सरी से चुनाव करें जो कि देखने में काफ़ी हष्ट पुष्ट लगे, चाहे उसमें ज़्यादा डालियाँ ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए मैं अब इस पेड़ को पानी डालता हूँ। तो दोस्त और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस पेड़ को, काले अमरूद के पौधे को, किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों से बचाना है, तो आप हर 15-20 दिन बाद आप इस पे नीम का स्प्रे जो होता है उसे आप इसके पत्तों पर छिड़क सकते हैं। इससे ये कीड़े मकोड़ों से बचा हुआ रहेगा। मैं इसके पत्तों पर हल्का पानी छिड़क देता हूँ जिससे ये पौधा थोड़ा ताज़ा फील करे। दोस्तों ये थी मेरे चैनल की पहली वीडियो जो कि काले अमरूद के पौधे पर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं @MrRohitSharma। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है गार्डन गाई। थैंक यू।